सिर्फ हमारी जिंदगी सड़कें तक सीमित नहीं है, हमें शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके भी आवाज उठानी है। चेयरमैन है जी, उसने अपनी औकात से ज्यादा काम करा है। अच्छा, ये मेरा सर, मेरे पापा का रात में 12 बजे मोबाइल छीना था। अच्छा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मेरे पापा रात में 3 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, चौक पे एक आदमी। हमारे घर से अभी 2 फोन चोरी हुआ है, दोनों फोन अभी घर के अंदर से उठ गया, घर से उठ गया। वोट डल चुका है, एक बार मैम आप अपना निशान दिखाएंगे। हां सर, ये देखिए, ये है मेरा वोट। तो आपका वोट किसकी तरफ रहता है, विकास की तरफ है या फिर आप बदलाव चाहते हैं? बड़े वोट की अगर हम बात करें चेयरमैन पद के लिए, हम तो सर बदलाव चाहते हैं। तो आपको लगता है कि सुधार नहीं हुआ है पिछले जो चेयरमैन? बिल्कुल भी नहीं हुआ है सर, आप लोनी की स्थिति जाके देख लीजिए, रोड की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा को लेके देख लीजिए, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। तो अभी जैसे लोगों ने कहा है कि पहले से काफी ज्यादा सड़कों में सुधार हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में अगर पहले की बात की जाए तो सड़कें बिल्कुल खराब। सिर्फ हमारी जिंदगी सड़कें तक सीमित नहीं है, हमें शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके भी आवाज उठानी चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि, और रही बात अगर सड़कें की, तो आप लोनी से यहाँ, ये सिब्बिहार है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आप लोनी तक की स्थिति देख लीजिए, किसी दिन हल्के बारिश में भी आके देख लीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ का भी आप देख सकते हैं सर। यहाँ का हमने एक दिन स्पेशल कवरेज किया था, तो उसमें सुनने में यह है कि इसका शायद टेंडर पास हो चुका है, और जो भी होगा चुनाव। टेंडर तो पास होते रहते हैं, बस जब भी चुनाव आता है जब भी टेंडर पास होता है, उसके बाद नहीं होता है। आप इधर भी घुमाइए, ये भी बोल रहे हैं। तो सर, आपका आपका नाम क्या है सर? प्रमोद शर्मा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है अभी जो मौजूदा चेयरमैन थे, या फिर बदलाव करना चाहते हैं? काम तो हुआ है जी। अच्छा। बहुत काम हुआ था, पहले ना रास्ता नहीं थे निकलने के लिए, अब हम घर से बैठते हैं, ई रिक्शे में बाहर बैठते हैं, काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन आप और सुधार चाहते हैं, जो और बेसिक जो काम है, शिक्षा है और शिक्षा तो अब हॉस्पिटल भी बनना बता रहे हैं, काम तो हुआ है, जो लोग कह रहे थे काम नहीं हुआ, नहीं तो काम कर रहे हैं। 10 साल से एक सरकार है, उसके बाद सिर्फ काम हो रहा है, हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, सिर्फ जब भी चुनाव आता है, जब भी कुछ सरकार का काम। मैम अभी हमने हमारी आप वीडियो जब देखेंगे हमारे चैनल पे, तो उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल जो है चुनाव के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसका पूरा हमने जो है पूरा कवरेज। मैम शिक्षा का है, हम लोग लोनी में रहते हुए भी अभी तक भी शिक्षा के लिए दिल्ली ही जाते हैं। हाँ। क्यों हमें दिल्ली जाना पड़ता है? अहम मुद्दा है, ये हमने भी उठाया कई बार। पहली बात ये है कि कोविड काल में सरकारी प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ गई थी, जो कि मतलब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को फीस नहीं दे पाने के कारण उन बच्चों की शिक्षा रुक गई। तो क्या किसी भी नेता ने उन बच्चों के लिए ये आवाज उठाई कि जो कुछ लड़कियां हैं, जो किशोरी लड़कियां हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे पाए? कि चलो ठीक है, प्राइवेट में अगर वो लोग फीस नहीं दे पा रहे, अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो उन लड़कियों को वहां पे एडमिशन हो पाता और उनको शिक्षा मिल पाती। प्राइवेट स्कूल ने ये भी कहा था कि पूरे साल की फीस देनी, और इस वजह से अभी भी बहुत सारी गर्ल्स है जो की शिक्षा से वंचित है और उन्हें अपनी मतलब पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। आप चाहते हैं कि लोनी क्षेत्र में एक अच्छे स्कूलों का होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जो गर्ल्स और बच्चियां हैं वो बाहर रह जाए। हर एक वार्ड का एक मतलब स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि मतलब जो हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम मलेरिया वगैरह, मतलब इन सब चीजों के लिए हम जो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो हमें बाहर ना जाना पड़े और हमें यहीं पे उसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। डिस्पेंसरी तो बनी है, मैंने सुना कि सभी वार्ड में, लेकिन नहीं है। नहीं वहाँ नहीं है ना, सभी वार्ड में सभासद है तो होनी चाहिए। एक बात और सुनो, मेरी बात हो रही है। मेरा नाम है राज। सर, मेरे पापा का रात में 12 बजे मोबाइल छीना था। अच्छा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मेरे पापा रात में 3 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, चौक पे एक आदमी नहीं दिखता है। तो क्या सुधार हुआ? इतना कानून में सुधार हुआ, चौक पे एक आदमी नहीं दिखता है। अगर बात करी जाए केवल आपके पापा की, क्योंकि मेरे पापा की नहीं, सबकी, काफी सारे लोग आते हैं। बहन बेटी छेड़ा जाता था, बहन बेटियों को छेड़ा जाता था, लेकिन अब कोई छेड़ के दिखला दे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। हमारे घर से अभी 2 फोन चोरी हुआ है, दोनों फोन अभी घर के अंदर से उठ गया, घर से उठ गया है फोन, सिर्फ गेट खुला होने की वजह से। सर, ये लोनी की बात है, हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे नंदकिशोर बन रहा है, कोई भी बना रहा हो, सरकार बना रही है, कोई भी बना रहा हो, बहन बेटी कितनी सुरक्षित है? चालू होने से चाहिए। अगर आप, सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझसे बहस मत करिए, मैं बस इन्हें साफ बता रहे हैं जो हकीकत है। मैं अपनी राय रख रही हूँ, आप अपना रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो, ये हॉस्पिटल का हमने कवर किया। हाँ। तो वो भी अभी स्टार्ट होने वाला, फाइनल हो गया है, देखते हैं सर कब होता है। वैसे तो लोनी में भी हॉस्पिटल चालू है सर, एक सेकंड, लेकिन वहाँ पे हमें ना ही दवाइयाँ मिलती है, ना ही वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध, हालत बहुत खस्ता है, बहुत वो है। तो फिर चालू हो गया, ऐसा क्या फायदा सर, ये बताइए। सर, रात में इस रोड पे कोई निकल नहीं पाता था, आप रात में चाहे 3 बजे चले जाना, 4 बजे 2 जिप्सी खड़ी मिलती है, ये कानून में सुधार हुआ है। सर, शासन इतना टाइट है सर, योगी की सरकार है,
शासन इतना टाइट है, आप इस रोड पे निकल नहीं सकते थे। रात के 10-11 बजे आपके फोन बाइक सब छीन लेते, पर आज योगी की सरकार है, आप लोनी में रात के 1-2 बजे आपके पास कितना भी कैश हो, कितना भी चैन हो, आप लेके घूम सकते हो। अगर बात की जाए चेयरमैनी की, तो चेयरमैनी में यहाँ पहले क्या सुधार हुआ है, क्योंकि लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। सर चेयरमैनी में सर कोई वो नहीं हुआ है सुधार, क्योंकि जो चेयरमैन था वो जाट था और जो वो विधायक था वो था गुजर, और दोनों में 36 का आंकड़ा था। वो उसका काम नहीं होने देता था, उसका काम नहीं होने देता था, लड़ाई झगड़े की वजह से पब्लिक को उसकी उन आपस की वजह से यहाँ काम नहीं हो पाया। हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि अपना वोट खराब ना दे और कमल का निशान दे और योगी की सरकार लाए और आराम से चैन की नींद जिए। तो सर पिछली भी 2 बार में जनता ने कमल को ही वोट दिया है, तो उस वजह से फिर सर अगर 300 करोड़ का घोटाला करने तो उसमें हम क्या कर लें फिर सरकार? अगर अब मौका मिला है ना, सबको मौका मिलता है, अब एक डॉक्टर ट्रांसफर हो गया दूसरा आता है, तो अब ऐसे ये हाल इसमें। 2 बजे रात के 12 बजे 1 बजे आप फ्रीडम होके घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है जी, योगी की सरकार में। सर आपका नाम क्या? हम पे एक बात परेशानी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश कुमार है जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जहाँ पे जितने खड़े हुए आप सभी बताओ कि किसी वोट लिस्ट में नाम क्यों कट रहा है। अच्छा भाई, जी समस्या है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी हो या क्यों हो, हमें सब जी जानते हैं। यहाँ पे इतने खड़े हुए बहन बेटी सब कुछ है, तो यहाँ पे और भी वोट कटे हैं। मैं खुद प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय हूँ, मेरा उगता हुआ सूरज निशान है नवीन भारद्वाज। मैं लोनी से वार्ड नंबर 9 से नवीन भारद्वाज निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मेरा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। और ये गोल्डी स्कूल हमारे वोटिंग के अंदर आते हैं, मतदाता हैं, हमने उनको रिझाया, समझाया, बताया, घर के दसियों चक्कर काटे, लोग अपने मतदान कर रहे हैं, जीत हार जनता की है, जीत से ना मुझे कोई खुशी है और ना हार से कोई गम, लेकिन आप यहाँ की देखिए समस्या, लोग बता रहे हैं, स्कूल पर झंडे टंगे हैं, गलियों में बैनर लगे हैं, और अंदर एजेंट को निर्दलीय या किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा है, और बाहरी लोग जो है वो घुस करके उसमें इशारे से काम करा रहे हैं। ये सारे चीफ निर्वाचन आयुक्त के संज्ञान में भेजना चाहिए और ये कीजिए। क्या कर दिया? हाँ तो सर अभी टाइम कितना हो रहा है, अब टाइम देखिए, एक बार टाइम बताइए क्या टाइम। अभी नगर पालिका की तरफ से दोबारा से संज्ञान में लिया, 8:50 हुए हैं, तो ये काम रात को ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरे दिन चुनाव होता है। आई थिंक अभी और इसमें आप 30% मतदान भी हो चुका होगा, आप जाके देख सकते हैं, उससे ज्यादा ही प्लस हो सकता है, क्योंकि सब ऑफिस जाने वाले हैं और सभी चले भी गए होंगे वोट डाल के। तो यहाँ पे जो मेन समस्या देखने को मिल रही है, काफी सारे वोट जो है वो कटे हैं लोगों के, तो यहाँ जो है सरकार से मेरी रिक्वेस्ट ये है और जनता से भी यही है कि वो अपने जो वोट है उसको पहले से कंफर्म करें, जो आपके सभासद की भी जिम्मेदारी बनती है, यदि वो आपका वोट पड़े जी और इसमें नहीं पड़े हुए लोकसभा में विधानसभा में वोटिंग आई है। आपने ये बात अपने जो सभासद है क्षेत्र के बोला, उनसे बोला चुनाव से पहले ये चीजें आपको कंप्लीट जानकारी रखनी चाहिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो अब ये लिस्ट ना, ये पहले तो हम डाले हुए लोकसभा विधानसभा में डाले, तो आप कंफर्म थे कि हमारा आएगा? आएगा, लेकिन वोट नहीं आए किसी के, नहीं कम से कम 70% वोट नहीं आए आपकी जानकारी में? 70% नहीं आए, 30% वोट पड़ेंगे तो किसी पिछड़ो। तो आपको क्या लगता है ये किसी पार्टी की मिली भगत है? हाँ मिली भगत है, किसी की हो मैं नहीं उसकी नहीं कहता, मैं किसी पार्टी से। आपको क्या लगता है ये जनता ये सरकार की तरफ से गलती हुई है किसी पार्टी विशेष? ये हकार पार्टी की वजह से हुई है, किसी पार्टी की वजह से हुई है, बस जी जानता हूँ मैं। हाँ क्या बता दो आप भी हम भी सभी, जब इक्वल जब हम नहीं डालेंगे हमारा अधिकार है वो हम डालेंगे, फायदा क्या है? आपका वोट डल गया? हमारा वोट ही नहीं मिला। मेरा नाम नाम क्या है? एक पड़ेगा वोट। मेरा नाम भगवती प्रसाद, भगवती जी। मैं रूपनगर सेकंड में रहता हूँ। मेरा यहाँ वोटर लिस्ट में पहले नाम था, लेकिन अब की बार मेरा कोई वोटर लिस्ट में मेरा मेरी पत्नी का कोई नाम नहीं। पिछले चेयरमैनी के चुनाव निकाय चुनाव में पिछले निकाय चुनाव में हमने वोट डाले थे, लेकिन इस बार कोई वोट में वोटर लिस्ट में हमारा कोई नाम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों गायब किए जाते हैं इतने, ये समस्या है सबसे पहले। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ जो भी आते हैं निकाय चुनाव वाले वादा करके चले जाते हैं, 1800 करोड़ रुपए का घोटाला पिछला दिखा करके ये नहर को कोई नहीं बन रहा था। रास्ता देखिए आप जनता के सामने, आप रास्ता देखिए कितना बढ़िया रास्ता, हजारों नेता यहाँ से गुजरते हैं, हजारों नेता गुजरते हैं,
लेकिन रास्ता कोई नहीं बन रहा था। क्या यहाँ की जनता से टैक्स नहीं लिया जाता या हाउस टैक्स नहीं ले रहे, क्या चीज नहीं ले रही बताइए सर? बिल्कुल क्यों नहीं, ये सरकार क्यों नहीं सोचती है इसके बारे में? यहाँ रात के 3 बजे 2 बजे आदमी खूब आता है, लेकिन रास्ता तो बनवाइए, नहर तो बनवाइए। देखिए आपका कहना ये है कि भाजपा की सरकार में किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, पार्टी का किसी का नाम न लेते हुए विकास होना चाहिए, विकास हुआ है और विकास होना चाहिए। तो ये तो आपकी कंप्लेंट है सरकार से, तो अभी मौजूदा सरकार जो है वो बीजेपी की है, तो कहने का मतलब ये बनता है, कहने का मतलब ये बनता है कि सरकार अगर क्राइम पे कंट्रोल करती है तो उसके साथ साथ सुधार और विकास, सुधार विकास होना चाहिए। और ये वोटर लिस्ट होना चाहिए, नाम गायब होते अगले साल 2024 में आने वाले हैं वो लिस्टों में सुधार किया जाना चाहिए, हमारा ये रिपेक्ट। बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ी है जो भी है, बस इतनी मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर और किसी की कोई समस्या है? समस्या यही है कि जो वोटर लिस्ट है। सर आपकी समस्या? वोट का नाम क्या है सर? व्योम चंद्र। व्योम जी क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो एक तो वोटर लिस्ट इस बार मर्ज नहीं की इन्होंने, विधानसभा की वोटर लिस्ट और नगर पालिका की वोटर लिस्ट अलग अलग बना दी, जिसकी वजह से कई लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मर्ज कर देते हैं उस वोटर लिस्ट को तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, और इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को वोट ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब नाम ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब वोट मिलते जब भी तो वोट डाल पाएंगे, जिन लोगों के नाम ही नहीं मिल पा रहे हैं तो वो वोट कहाँ से डाल पाएंगे, क्योंकि वो विधानसभा की लिस्ट उन्होंने अलग की हुई है और नगर पालिका की लिस्ट उन्होंने अलग की हुई है। अगर ये दोनों को मर्ज कर देते तो ये तीनों चुनाव में काम आती, विधानसभा लोकसभा और चेयरमैनी तीनों, हाँ निकाय चुनाव तीनों, उसमें एक ही लिस्ट काम करती, लेकिन ये लिस्ट इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। क्या कर रखा है भगवान जाने, क्या हुआ, क्या किसकी किसकी मिस्टेक है, ये वो प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी है कि काम तो खैर, आपका वोट आया है? हाँ मेरा वोट तो है। आपने डाल दिया वोट? डालने जा रहा हूँ। अच्छा, डालने जा रहा हूँ। तो आपका समर्थन अगर मैं बड़ी पार्टी को करूँ, चेयरमैन पद के लिए करूँ, तो किसको रहेगा? बीजेपी को मेरे दोनों वोट बीजेपी। उसके पीछे का कारण? योगी सरकार मोदी सरकार चाहिए। तो योगी सरकार ने भ्रष्टाचार कम किया है या फिर विकास ज्यादा किया है? भ्रष्टाचार भी कम किया है, गुंडागर्दी भी कम की है। देखिए भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है, गुंडागर्दी अलग चीज है। भ्रष्टाचार भी कम किया, गुंडागर्दी भी कम की है, और विकास के भी काम हुए, बीजेपी की सरकार से हुए, सारे विकास के काम बीजेपी की सरकार से हुए हैं, तो हम फिर बीजेपी को लाना चाहते हैं। सर जैसा अभी आपके एक बंधु ने बताया कि यहाँ पे बीजेपी ने भ्रष्टाचार और क्राइम तो कम किया है, लेकिन यहाँ पे जो मेन रोड की समस्या है नहर की, इसका पिछले 10 साल से बीजेपी का चेयरमैन है यहाँ। एक्चुअली ये जो रोड है ना, ये शायद चेयरमैन के उसमें नहीं है, ये नहर वाला रास्ता चेयरमैन के अंडर में नहीं आता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ये हम सबको दिक्कत है, और इसके लिए आपका सोर्स लगाएंगे। आपके जहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमें निवेदन करना होगा, जहाँ जहाँ भी प्रार्थना पत्र देने होंगे नगर इसको क्या नाम है चेयरमैन को या विधायक को या सांसद को, जहाँ जहाँ भी हमें निवेदन करना होगा वहाँ करेंगे, शहर के रास्ते के लिए करेंगे। जुड़ने से बात करने के लिए धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर है भैया। रामवीर जी आप क्या समस्या आपकी? समस्या कुछ नहीं, मैं जहाँ जो सिटिंग चेयरमैन है जी, उसने अपनी औकात से ज्यादा काम करा है। अच्छा, ये मेरा मानना है। और क्या मानना है? और दूसरा भाई साहब जी, उसके पास किसी भी टाइम चले जाओ, पानी भूख प्यास की पूछनी, और हर समय हर आदमी के साथ वो खड़ा है। जो उसके दायरे में काम नहीं भी आता ना, उसके लिए भी उसके साथ खड़ा है वो। जनता से उनका जो संबंध है बहुत अच्छा है, डोर टू डोर जुड़ा हुआ है वो आदमी। इस बात को मैं नहीं कहता, मेरे बड़े भाई खड़े हैं मास्टर जी, इनसे बात कर लो कि वो आज भी लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की समस्या सुनता है, कहता है, जो पहुंच जाओ उसके पास उसके साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चेयरमैन पद पे किसका परचम लहराएगा? मनोज शर्मा को, मनोज धामा को हराना तो वैसा मुझे तो नामुमकिन लगता है। अच्छा, अगर कोई और तरीका कोई हो उससे हार जाए तो भले हार जाए, वोटों से तो नहीं हारता। अच्छा, लेकिन जैसे जनता ने कहा है, कुछ ये सुनने में आया कि कुछ उन पर आरोप भी लगते रहे कि कुछ घोटाला वगैरह का आरोप है। आरोप तो भाई साहब मैं तुम पर लगा देता हूँ कि तुमने ये करा वो करा, और मैं FIR करवा देता हूँ कि आप क्रिमिनल हो गए। किसी कुत्ते का डंडा मारते हुए किसी ने देखा हो उस आदमी को, एक को लाओ बुला के, तो मुझे किसी कुत्ते के भी, किसी बिल्ली के भी, किसी पंछी को भी डंडा मारते हुए देखा हो, गाली देते देखा हो, उसे बुलाओ। राजनीति का ये तो दाव पेच है कि आरोप प्रत्यारोपण लगते रहते हैं। हम कभी जाते नहीं उस आदमी के पास, हम उसे जानते नहीं, ठीक, हम सिर्फ जानते हैं कि चेयरमैन है भाई,
और हमारे कोई व्यक्तित्व काम नहीं पड़ते, हमें कोई ऐसा काम नहीं पड़ते, लेकिन हाँ ये मैं सत्य बता रहा हूँ भाई साहब, हम नरक में रहते, नरक में यहाँ पे पहले 10 साल पहले का सुधार हो गया, छोटी छोटी गलियाँ, पहले अगर भाई साहब मेन रोड के रास्ते जाम लग जाता था ना तो लोग खड़े रहते थे, आज अगर मेन रोड पर जाम लग जाता है, पानी भर जाता है ना, छोटी गलियों से कटआउट मार के आदमी टाइम से पहुंच जाता है। किसी पहले ये होता था एक गली वो सही है, उसमें भागे लोगों ने मलबा डलवा रखा है, उस गली से निकल जाओगे। पहले इनके स्कूल के बराबर वाली गली थी, लोग कहते थे भैया उस गली से निकल जाओ, वो भराव करा रखा है उन्होंने त्यागी जी ने, काफी सुधार कराया। आपका क्या नाम? सुधार नहीं कराया, यहाँ का तो नरक ही खत्म कर दिया था वो, इसमें कोई। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजकुमार त्यागी है। त्यागी जी आपको क्या लगता है कि इस बार किसका परचम लहराएगा? सर परचम तो अभी कोई किसी को बता नहीं सकता अभी किसका लहराएगा। अच्छा। तो आपने आपने वोट डाल दिया है? आज वोट डाल दिया जी। बाकी इस कॉलोनी की क्या क्या समस्या है, प्रमुख समस्या क्या है इस कॉलोनी की? समस्या जी आप आगे सब रख रहे हैं जी, वैसे तो जब भी यहाँ बीजेपी आई है रूप चौधरी के टाइम से, सबसे पहले रूप चौधरी विधायक बने, जब भी बीजेपी आई जब भी कार्य हुआ, और कोई भी कार्यकर्ता विधायक हो चेयरमैन हो कोई भी अपनी जेब से निकला था, केंद्र पैसा देती है उन्हें, राज्य को राज्य नहीं देती है, और राज्य सड़क का सब कह रहे हैं, अभी भाई साहब भी कह रहे हैं, ये नहरवाई में आती है जी। इन लोगों को पता नहीं नहरवाई क्या होती है? तो सर नहरवाई भी तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के अंतर्गत में आता है, और प्रदेश सरकार बीजेपी की है। नहरवाई वाले अपनी जमीन मांग के वो अपना एक पट्टी कराते थे, आप जानते हो गांवों में देखी होगी आपने, एक पट्टी पक्की कराते थे, वो अपने लिए कराते थे, पहले अगर कोई बुग्गी वाला किसान चल जाता था उसका टैक्स को काट देते चलान, उन्हें वैसे विकास जब भी बड़ा हो रहा है नहरवाई भी, जैसे की प्रदेश में बीजेपी नहरवाई का सुना इसका टेंडर हो गया है, और रहा स्कूल का, देखो स्कूल भी बन गया, अस्पताल भी, और अस्पताल में डॉक्टर नियुक्ति भी हो गई है, अलग सुबह आचार संहिता लगी है। ये हमारी एक वीडियो में कवरेज है, कोई हमने उसका पूरे हॉस्पिटल का किया था, क्या क्या सुविधाओं से लैस होगा और क्या क्या कब स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी हमारी वीडियो है, उसमें हमने कवर किया था, तो वो शायद इलेक्शन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, पेपर में दिया गया था सोमवार शुरू हो जाएगा। तो आपका यही है कि जो विकास है विकास पुरुष को ही हम वोट देंगे? हाँ जी। तो जैसे कि अभी यहाँ सुनने में आया कि मनोज धामा 2 बार से बीजेपी में है, तो विकास पुरुष वो है या पार्टी भी विकास है? नहीं देखो पार्टी अगर पार्टी में नहीं होती बीजेपी में तो विकास नहीं होता। हेलो नहीं वो तो हो ही गई सबकी बात, सभी ने कही थी भाई, पहले रूप चौधरी विधायक बने जब कार्य हुआ, विनोद बंसल बने जब कार्य हुआ, जैसे भी खंजे हुए, अब ये चेयरमैन हुए बीजेपी से, इन्होंने वो लगवाए, उन्होंने ये टैल लगवा दिया, मतलब रास्ते बन गए सब, करीब करीब कुछ ही रह गए बीजेपी पार्टी विकास करती है और विकास को ही। बिल्कुल ठीक है त्यागी जी, टुडे न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।